नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के स्टडी 2020 पर। तो आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ, जो 8/9/2023 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, 8 तारीख नौवा महीना, और 2023 में जो पूछा गया था उसका सॉल्व क्वेश्चन मैं कराऊँगी। तो बिहार स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। आपका ऑप्शन है ए सामंत, बी किसान, सी राजा, डी कमी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजा। अब देखिए हम इसको सोल्व करके हम बताए हैं, तो देखिए क्या होता है। तो इसका है, सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा होता था। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा और जनता के बीच बिचौलिया वर्ग, जिसमें सामंत कहते थे, का उद्भव हुआ। पूर्व मध्यकाल में यूरोप और भारत दोनों जगह पर सामंतवाद विद्यमान था। इस व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से भूमि का मालिक राजा होता था। तो भूमि का मालिक कौन होता था? तो राजा होता था, किंतु व्यवहार में यह अधिकार सामंत रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? आपका ऑप्शन है ए 1498, बी 1499, सी 1492, डी है 1519 ईस्वी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का पता लगाया था। इसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। वास्को डी गामा ने भारत का पता 1498 में लगाया था, जब वो उत्मासा अरंतर द्वीप का चक्कर लगाते हुए कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। यहाँ धातव्य की भारत आने से पहले यूरोपवासी पुर्तगाली ही थे। 1505 में अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी कनाडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की पराजय हुई थी। इसको डिटेल्स में पढ़िए, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1763 ईस्वी तक चला। तो कब से कब तक चला? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला। यह युद्ध मुख्यतः इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई। 1763 में पेरिस की संधि के माध्यम से इस युद्ध का समापन हुआ। इस युद्ध के दौरान भारत में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन है ए सामाजिक संविदा, बी विधि की आत्मा, सी दास कैपिटल, डी बृहत ज्ञानकोश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू ने एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जो 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय काल के दौरान राजनीतिक व दर्शन के शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। मॉन्टेस्क्यू की महत्वपूर्ण पुस्तक विधि की आत्मा, इसको कहते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉ, 1748 में प्रकाशित हुए। मॉन्टेस्क्यू एक राजनीतिक विशेषज्ञ थे, जो शक्ति के पृथक्करण पर अपने विचार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? ऑप्शन है ए रूसो, बी वाल्टेयर, सी मॉन्टेस्क्यू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूसो। इसको डिटेल्स में देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की है। किसकी है? तो रूसो की है। रूस फ्रांस का दार्शनिक था, जो प्रबोधन काल का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो ने जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, जो तत्कालिक समय के राजनीतिक को काफ़ी प्रभावित किया। रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
रूसो के विचार से प्रभावित होकर रोबोस्पियर ने फ्रांस में आंतांग के राजा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1688 ईस्वी, बी 1788, सी 1689, डी 1789। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1688 ईस्वी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो रक्तहीन क्रांति के नाम से, क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं खून एक कतरा भी नहीं गिरा। इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के कारण ही इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिटलर किसका प्रवर्तक था? ऑप्शन है ए नाजीवाद, बी फांसीवाद, सी उग्रवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाजीवाद। हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुए वर्साय की संधि के कारण जर्मनी में स्थापित वाइमर गणतंत्र अलोकप्रिय होती जा रही थी, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया। 1932 ईस्वी तक जर्मनी में उसने नाजीवाद की स्थापना कर सत्ता अपने हाथ में ले लिया। हिटलर ने अपना उद्देश्य वर्साय की अपमानजनक संधि का उल्लंघन बताया। इसी ने द्वितीय युद्ध को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिटलर। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर 1932 में जर्मनी में अपनी सरकार की स्थापना की तथा यूरोपीय देशों में वर्साय की संधि का बदला लेना अपना उद्देश्य घोषित किया। हिटलर ने अपने को जर्मनी का सर्वोच्च अधिनायक घोषित कर एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया। हिटलर ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे, क्या शामिल थे? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, बी है फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, डी है इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। देखिए डिटेल्स में पढ़िए, त्रिगुट समझौता जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच एक गुप्त समझौता था जो 20 मई 1882 को हुआ था। इस समझौते का प्रमुख वास्तुकार जर्मन चांसलर बिस्मार्क था और यह समझौता मुख्यतः फ्रांस के विरुद्ध हुआ था। बिस्मार्क ने फ्रांस को भी हराकर जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया था। बिस्मार्क समझता था कि फ्रांस अपनी हार का बदला लेगा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने यह त्रिगुट समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है ए लॉयड जॉर्ज, बी विंस्टन चर्चिल, सी जॉर्ज क्लियंस, डी वुडरो विल्सन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत किया। वुडरो विल्सन अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। वे नैतिकता और आध्यात्मिक के पुजारी तथा विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे। उनके 14 सिद्धांतों में गुप्त संधियों न करने समुद्र तक सबकी पहुंची, निशस्त्रीकरण, औपनिवेशिक स्वतंत्रता, रूस एवं फ्रांस का विकास आदि प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन से देश, तो अमेरिका देश
ने विश्व शक्ति बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोपीय देश वैश्विक पलट कर महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, किंतु विश्व युद्ध में यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। अब वैश्विक पटल पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया था तथा अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए कई आर्थिक योजनाएं भी चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सरहुल किनका पर्व है? ऑप्शन है ए मुंडा, बी ओराव, सी कोल, डी मीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंडा। सरहुल मुंडा जनजाति का पर्व है। मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। मुंडा जनजाति कई देवताओं में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके सर्वोच्च भगवान को सिंहबोंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? ऑप्शन है ए वाणिज्यिक अनाज, बी मिश्रित, सी कार्बनिक, डी वृक्षारोपण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बनिक। कार्बनिक कृषि व्यावसायिक खेती नहीं है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। स्पष्ट है कि विकल्प सी है जो कार्बनिक कृषि है वो सही है। इसका बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प यही चुना है जो कि गलत है। इसका सही जवाब है सी कार्बनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन निम्नलिखित मोटे अनाज है? ऑप्शन है ए ज्वार, बी बाजरा, सी रागी, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। ज्वार, बाजरा, रागी प्रमुख मोटे अनाज है। मोटे अनाज कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बाजरा है? ऑप्शन है ए ज्वार, बी रागी, सी इन दोनों, डी मक्का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इन दोनों, जो कि ज्वार और रागी दोनों बाजरा है। ये मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। रागी में प्रचुर की मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, खरबूजा किस मौसम में होता है? ऑप्शन है ए रबी मौसम, बी खरीफ मौसम, सी जायद मौसम, डी सभी तीनों मौसम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जायद मौसम। खरबूजा जायद मौसम में बोया जाता है। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। जायद में मुख्यतः तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो आंध्र प्रदेश था। वर्तमान समय में मूंगफली के तीन प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, दालों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए दालें रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है, बी है दलहन फलीदार फसलें हैं, सी वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं, और डी है दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दालों के गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। दालें फलीदार फसलें होती हैं। दालें अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, चांदी क्रांति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए कीमती खनिज, बी चावला, सी कपास, डी अंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंडा। चांदी क्रांति अंडा से संबंधित है। भारत की प्रमुख कृषि क्रांति है जो कि इस प्रकार दिया गया है, वो देखिए, नीली क्रांति है मछली उत्पादन,
भूरी क्रांति है चमड़ा या उर्वरक, पीली क्रांति हो गया तिलहन उत्पादन, श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है ए ट्रस्टीशिप काउंसिल, बी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी सेक्रेटेरिएट, डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15, डी 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10, जो कि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रसंघ के भीतर एक संगठन नहीं था? ऑप्शन है शरणार्थियों के लिए आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, सी है अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, डी दास्ता आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड, जो कि राष्ट्रसंघ के भीतर संगठन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ में सदस्य वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रसंघ से अलग नहीं हुआ? ऑप्शन है ए इंडिया, बी होंडुरास, सी स्पेन, डी ब्राज़ील। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सरनाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, सी एनी बेसेंट, डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार के फलस्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर नाइट की उपाधि वापस कर दी। सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुई थी। जनरल डायर ने इकट्ठी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1 जनवरी 1923 ईस्वी, 7 जनवरी 1923 ईस्वी, 1 फरवरी 1924 ईस्वी, 6 मई 1925 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष सी अरदास थे, जबकि महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल का लक्ष्य विधान परिषद के चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर के सरकार को परास्त करना था। स्वराजवादी परिवर्तनवादी कहलाए, जबकि शेष कांग्रेसी अपरिवर्तनवादी कहे गए। 1922 में हुए गए अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए 1880 रिपन, बी 1884 लिटन, सी 1885 एओ हुम, डी 1887 भुवनेश्वर चंद्र बनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1885 में एओ हुम, जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। इसके संस्थापक एओ हुम थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 बंबई में हुआ, जिनमें कुल 72 सदस्य उपस्थित थे। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा 9 प्रस्तावों को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, इंग्लैंडों में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है ए परिवहन उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी लोहा उद्योग, डी प्लास्टिक उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग के प्रारंभ हुई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था के संपूर्ण उत्पादन प्रणाली को बदलकर रख दिया। नई तकनीक का प्रयोग, पर्याप्त पूंजी और उत्पादन को खपाने के लिए उपनिवेश इस औद्योगिक क्रांति के आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है ए 1786, बी 1787, सी 1788, डी 1789 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
1786 ईस्वी में पटना गोलघर घर का निर्माण हुआ, जो गोलघर बिहार के प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर अकाल के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। अकाल के देखते हुए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने गोलघर का निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गोरस्टिंग ने अनाज के ब्रिटिश फौज के लिए भंडार के लिए गए जनवरी 1784 में इसका निर्माण शुरू करवाया था तथा जुलाई 1786 में यह बनकर तैयार हुआ। इसमें एक लाख चालीस हजार टन अनाज रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी वाशिंगटन डीसी, डी मनीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना IMF के साथ 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1918, बी 1919, सी 1990, डी 1921। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, जो कि 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस शांति का समझौता हुआ। इसमें पराजित राष्ट्रों के साथ संधियों और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए। इन संधियों में वर्षाय की संधि सर्वाधिक महत्व की है, जर्मनी से की गई थी। इस संधि के माध्यम से जर्मनी पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? ऑप्शन है ए काला सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भूमध्य सागर। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी गोविंदा मोहन, सी जेम्स ऑंगस्ट्रम हिकी, डी विनोबा भावे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेम्स ऑंगस्ट्रम हिकी। भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑंगस्ट्रम हिकी है। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑंगस्ट्रम हिकी ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया जिनका नाम द बंगाल गजट था। उसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में इसे बंद करवा दिया गया। नवंबर 1780 ईस्वी में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? आपका ऑप्शन है ए चीन जापान कोरिया, बी यूनान चीन जापान, सी कोरिया यूनान जर्मनी, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन जापान और कोरिया। इन तीनों देशों में मुद्रण की तकनीक आई थी। भारत के संदर्भ में मुद्रण तकनीक सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने लाया। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने भारत के प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। भारत में लॉर्ड मेडकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी जो बिहार का सो कहलाती है किसका उद्गम स्थल है? ऑप्शन है ए भारत में, बी नेपाल में, सी चीन में, डी बांग्लादेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेपाल में। कोसी नदी का निर्माण सन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी के संगम के पश्चात से होता है, जिनका उद्गम हिमालय के अंतर्गत नेपाल और तिब्बत से हुआ है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 8848 मीटर, बी 8611 मीटर, सी 8598 मीटर, डी 8172 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8611 मीटर, जो कि K2 की ऊंचाई है। हिमालय के प्रमुख शिखर और उनकी ऊंचाई निम्नलिखित है जो कि बताते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट है 8848, कंचनजंगा है 8598, नंगा पर्वत है 8126 और नंदा देवी है 7817। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? आपका ऑप्शन है ए गोरूर झील, बी क्रेटर झील, सी लंगून झील
और डी हिमानी झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रेटर झील। भारत में स्थित लोनार झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। भारत की प्रमुख लैगून चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, शिव समुद्रन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन है ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी तापी, डी कावेरी। सही जवाब है ऑप्शन डी कावेरी। शिव समुद्रन जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडाडू जिले में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। आपका ऑप्शन है ए सिलचर, बी चेरापूंजी, सी मोरासिन राम, डी गुवाहाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोरासिन राम नहीं होगा, यहाँ पर ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा मानसिन राम होगा, जो कि सबसे अधिक वर्षा होती है। ये मेघालय के खास पहाड़ियों में शिखर पर स्थित है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा में से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, सिमली पाल वारियो रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिशा। सिमली पाल वारियो रिजर्व ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, किस वर्ष में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीक सहायता दी जा रही है। ऑप्शन है ए 1984, बी 1992, सी 1985, डी 1997। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीक सहायता दी जा रही है। देश के पादप और जन संपत्ति की महत्ता के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या में बच्चों के अधिक संख्या किसका परिणाम है। ऑप्शन है ए उच्च जन्म दर, बी उच्च जीवन प्रत्याशा, सी उच्च मृत्यु दर, डी अधिक विवाहित जोड़े। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च जन्म दर। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या उच्च जन्म दर का परिणाम है। जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रिया है, ये जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों ने जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। ऑप्शन है ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी प्रवास, डी लिंगानुपात। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लिंगानुपात जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की 3 प्रक्रिया है, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास, जो कि बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। ऑप्शन है ए 24.3%, बी 10%, सी 18%, डी 16%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24.3%, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार 24.3% आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए मेघना, बी जमुना, सी सुरमा, डी कर्णफुली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चमायुडुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सोगाम्पो नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों सीमा पर स्थित है। ऑप्शन है ए भारत नेपाल, बी नेपाल भूटान, सी नेपाल तिब्बत, डी भूटान तिब्बत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत, जो कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। यह विश्व का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है,
भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, किस पर करती है? ऑप्शन है ए उद्योग पर, बी कृषि पर, सी पर्यटन पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्यटन पर। भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। भूटान के भूभाग का 60% भाग जंगल के रूप में सदा के लिए आरक्षित है। पर्यटन भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसके कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मित होता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि का विकास सीमित मात्रा में हुआ है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, मापनी क्या है? ऑप्शन है ए अनुपात, बी कथन, सी दूरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुपात। मापनी अनुपात है। मापनी मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। यह मानचित्र दो स्थानों के बीच की दूरी धरातल पर उन्हें दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? ऑप्शन है ए अनंत, बी बहुत बड़ा, सी छोटा, डी बहुत छोटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बहुत छोटा। एटलस मानचित्र बहुत छोटा पैमाने पर बनाया जाता है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा मौलिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टियों को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल का कितना परसेंट कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है ए 72%, बी 82%, सी 85%, डी 92%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 92% है जो कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए सैकड़ों वर्ष, बी हजारों वर्ष, सी लाखों वर्ष, डी केवल एक वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाखों वर्ष। खनिज एवं जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो गठन के लिए लाखों वर्ष लेते हैं। गैर नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका भंडारण सीमित होता है। भंडारण एक बार समाप्त होने पर उसे नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने का लाखों वर्ष लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और जामा में समृद्ध है। ऑप्शन है ए कोयला, बी सोना, सी सिलिकॉन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और कोयला जामा में समृद्ध है। भारत के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट भारत के कुल सतह का क्षेत्र 30% है। ऑप्शन है ए मरुस्थल, बी पर्वत, सी मैदान, डी पठार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पर्वत। भारत के कुल सतह में 30% है। भारत में भूमि का विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। 43% भू क्षेत्र मैदान तथा 27% हिस्से पर पठार पाया जाता है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए ग्रामीण बैंक, बी अस्थायी साहूकार, सी राष्ट्रीयकृत बैंक, डी सहकारी एजेंसियों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्थानीय साहूकार। कृषि में संस्थागत और गैर संस्थागत दो प्रकार के वित्तीय स्रोत हैं। नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार 2016 से 17 तक कृषि वित्त के अंतर्गत कृषक परिवारों ने 60.5% केवल संस्थागत ऋण, 30.3% गैर संस्थागत ऋण एवं 9.2% संस्थागत एवं गैर संस्थागत दोनों स्रोतों से ऋण लिया है। साहूकार गैर संस्थागत ऋण स्रोत है। नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार 2016 से 17 के अनुसार कृषि ऋण स्रोतों से साहूकार का अंश 10.2% रह गया है जो कि 1954 में 70% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के जल भृतों में डॉट डॉट थोड़ा कम मीठे पानी भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन है ए 5%, बी 20%, सी 10%, डी 30%। इसका सही जवाब क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो कि अब देखिए पृथ्वी पर कितना कितना परसेंट है जल वितरण का। बर्फ छत्रक है 2.05%, महासागर है 97.3%, भूमिगत जल है 0.68% झीलों में है 0.01%, मिट्टी की नमी में है 0.0005%, वायुमंडल में है 0.001% और नदियाँ 0.0001%, जैवमंडल है 0.0004%। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।